हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा चार के हिंदी के पाठ सात को। इस पाठ का नाम है बच्चों रूप बड़ा या गुण। तो इस वीडियो में हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं इस पाठ में क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आइए सीखें। बाहरी रूप रंग की अपेक्षा आंतरिक गुणों का महत्व समझना, यानी अगर कोई इंसान बाहर से सुंदर है और उसमें आंतरिक गुण अच्छे नहीं हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, मतलब जो बाहरी रूप है उसकी अपेक्षा आंतरिक जो गुण हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों को समझाना, जैसे कि पूर्ण विराम होता है वो कहाँ लगता है, जो कौमा होता है, अल्पविराम होता है वो कहाँ लगता है, इस तरीके का हमें विराम चिन्हों को समझना है। विशेषण तथा मुहावरों का प्रयोग, ठीक है, विशेषण क्या होता है इसे समझेंगे इस पाठ में, और मुहावरों का प्रयोग हम सीखेंगे। वाक्य परिवर्तन नहीं मत शब्द का प्रयोग इत्यादि हम सब कुछ हम इस पार्ट में सीखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में क्या दिया है। मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान संगुत्तलम जैसे महान ग्रंथों के रचयिता महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता। तो ये बच्चों जो महाकवि कालिदास हैं वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात कवि हैं, इन्हें हर कोई जो कि हिंदी का ये भी जानता है वो इन्हें अच्छे से जानता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े महान ग्रंथ लिखे हैं जैसे मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान संगुत्तलम, ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनकी रचयिता कौन है, महाकवि कालिदास। उज्जैन की महाराजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। तो जो उज्जैन के महाराज हैं उनका नाम क्या है, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य वो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न बच्चों पहले के जो राजा महाराजा थे तो वो ऐसे इंसानों को जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महारथी होते थे उन्हें नवरत्न यानी रत्नों के रूप में रखते थे। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि ये महाकवि कालिदास बहुत ज़्यादा हिंदी के महान कवि थे तो ये भी उनके दरबार में एक रत्न के रूप में थे। तो नौ व्यक्तियों को ऐसों को रखते थे जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महारथी होते थे, उन्हें क्या बोलते थे, नवरत्न बोलते थे। उनमें से एक थे कालिदास। ठीक है, नौ व्यक्ति थे उनमें से एक कौन थे, कालिदास, यानी नौ रत्नों में से एक कालिदास थे। एक बार महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के साथ बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और ये दोनों साथ में बैठे थे, कौन कौन, राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास। ठीक, गर्मियों के बहुत ज़्यादा दिन थे तो गर्मी में ये बैठे हुए थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे, मतलब पूरा शरीर पे पसीना आ रहा था। ठीक है, एकदम शरीर से पसीना निचड़ रहा था तो लथपथ थे। प्यास के मारे बार बार कंठ सूख जा रहा था। कंठ मतलब गला, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस कारण गला उनका बार बार सूख रहा था। दोनों के पास मिट्टी के एक एक सुराही, तो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं बच्चों कि मिट्टी का एक मटके टाइप का बर्तन होता है जैसे कि सुराही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मुंह आगे से पतला टाइप का रहता है और मिट्टी का बना होता है। ठीक है, जैसे कि हम पहले के ज़माने में पानी भर के रखने के काम आता था, इसमें पानी ठंडा बना रहता था। ठीक है, और ये मिट्टी का बना रहता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं और इस तरफ ये महाकवि कालिदास जी बैठे हुए हैं और इनका ये सेवक है। ठीक है, राजा विक्रमादित्य का, और इनके बीच में ये मिट्टी की सुराही रखी हुई है। दोनों के पास अपनी अपनी एक एक सुराहियाँ थी। ठीक, रखी हुई थी प्यास बुझाने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था, तो बार बार उनका गला सूख रहा था तो उन्हें प्यास बुझाने के लिए बार बार पानी पीना पड़ रहा था जिससे कि उनकी प्यास बुझ सके। राजा विक्रमादित्य बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे जबकि कालिदास उतने सुंदर नहीं थे। तो ये राजा विक्रमादित्य सुंदर थे, मतलब रूपमान थे, लेकिन कालिदास उतने सुंदर नहीं थे। मतलब सुंदर तो थे लेकिन जितने राजा विक्रमादित्य सुंदर थे उतने सुंदर नहीं थे। विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के चेहरे की ओर गया, वे चुटकी लेने के लिए बोल पड़े, महाकवि इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। मतलब उनको एक मजाक के तरीके से बोला कि आप बुद्धिमान हैं, गुणी हैं, सारी खूबियाँ हैं, लेकिन आप अगर सुंदर और होते, ईश्वर आपको सुंदर बनाता तो आप और भी ज़्यादा अच्छे लगते। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों जो महाकवि कालिदास हैं इसका क्या उत्तर देते हैं। महाराज, इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं कल दूंगा। तो उन्होंने बोला महाकवि कालिदास ने, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। ठीक, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास सीधे सुनार के पास गए। सुनार बच्चों उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सोने के आभूषण बर्तन आदि बनाता है, उस व्यक्ति को हम सुनार बोलते हैं। तो वो सुनार के पास गए, उन्होंने उसे रातों रात सोने की एक सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट आए। मतलब सुनार के पास गए और बोला क्या, एक है ना सुंदर सोने की सुराही आप मेरे लिए बना दीजिए। ठीक है, और एक रात में आपको बनाना, ये कहकर वो घर लौट आए। ठीक है, क्योंकि ये राजा के बहुत ज़्यादा खास थे। ठीक, तो इनका आदेश पालन करना जरूरी था, तो सुनार ने एक रात में सुराही बनाई भी।
अगले दिन कालिदास ने पहले ही पहुंचकर राजा की मिट्टी की सुराही हटा दी और उसके स्थान पर सोने की सुराही कपड़े से ढककर रख दी। तो जहाँ पर वो मिट्टी की सुराही रखी हुई थी वो उसे हटा दिया, उसकी जगह पे जो सुनार से सोने की सुराही बनवाई थी उस सुराही को वहाँ पर रख दिया, जहाँ पर जिस सुराही से राजा पानी पीते थे, और उसे कपड़े से ढककर रख दिया ताकि उस सुराही को कोई देख ना पाए। ठीक इसी समय राजा विक्रमादित्य कक्ष में पधारे। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास वार्तालाप करने लगे, और फिर उसके बाद राजा विक्रमादित्य कक्ष में आते हैं, कमरे में आते हैं, जिस और बैठकर अपने अपने स्थान पर दोनों वार्तालाप यानी बातें करने लगे। कल की तरह आज भी बहुत गर्मी थी, जिस तरीके से कल गर्मी थी उस तरीके से आज भी बहुत गर्मी थी। राजा को प्यास लगी, उन्होंने पानी के लिए संकेत किया, एक सेवक ने उनकी सुराही से पानी निकाल कर दिया। पानी होंठों से लगाते ही वे सेवक पर परस पड़े, क्या सुराही में उबला पानी भर के रखा है, सेवक की तो घिघी। तो प्यास लगने लगी, प्यास लगते ही उन्होंने इशारा किया कि मुझे पानी दो, तो एक सेवक ने सुराही से पानी भरा और पानी उनको दिया राजा विक्रमादित्य को। तो जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो एकदम से सेवक पे चिल्लाए कि ये क्या सुराही में उबला हुआ पानी रख दिया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो राजा जो कि बहुत ज़्यादा महान राजा थे, तो उनकी डांट सुनकर एकदम से सेवक की घिघी बन गई, घिघी बन गई मतलब एकदम से वो शांत पड़ गया डर के मारे, ठीक है, कुछ नहीं बोल पाया, हक्का बक्का सा हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हम इस चित्र में देख सकते हैं जो राजा विक्रमादित्य हैं वो जो बैठे हैं, इनका सेवक उस कपड़े की ढकी हुई सुराही जो सबकी सोने की बनी हुई थी उससे राजा विक्रमादित्य को पानी दे रहे हैं। यहाँ पे जो महाकवि कालिदास हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनके एक जो सेवक है वो पंखा भी झल रहा है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाँ घिग्गी बन गई, ठीक। महाकवि कालिदास ने सुराही का कपड़ा हटाया, और फिर उन्होंने वो सुराही का कपड़ा हटाया क्योंकि वो बताना चाहते होंगे कि ये सुराही जो है वो मिट्टी की नहीं है, वो सोने की है। वो ऐसा क्यों करते हैं वो आगे अपन को स्टोरी में पता चलेगा बच्चों। सोने की सुराही देखकर राजा विक्रमादित्य दंग रह गए, मतलब एकदम अचंभित रह गए कि सोने की सुराही कौन रखता होगा, क्योंकि सोने की सुराही में पानी गर्म हो जाता है, ठीक है, ठंडा नहीं होता, और जो मिट्टी की सुराही में है वो पानी ठंडा करती है। इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है बच्चों, वैज्ञानिक रीज़न है, वो आप विज्ञान वाले टीचर से पूछ सकते हैं कि जो मिट्टी की सुराही है उसमें पानी ठंडा क्यों होता है, सोने की सुराही में पानी गर्म क्यों हो जाता है, ठीक। राजा विक्रमादित्य ने कहा हद हो गई, ठीक है, मतलब ये तो हद हो गई, ऐसा कौन करता है, सोने की सुराही में पानी कौन रखता है, पानी कहीं भी सोने की सुराही में रखा जाता है, कहाँ गई मिट्टी की सुराही, सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखी है, ठीक है। तो वो नौकरों पे अपने सेवकों से चिल्लाते हैं कि यहाँ सोने की सुराही किसने रख दी है, ऐसी मूर्खता भरी बात किसने करी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में वो सोने की सुराही में पानी, ठीक है, ये तो पानी गर्म हो गया होगा, गर्म पानी गर्मियों में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कालिदास शांत स्वर में कहा, कालिदास ने फिर शांत स्वर में कहा, वह मूर्ख मैं ही हूँ श्रीमान, मतलब फिर वो अपनी जो भी उन्होंने किया था उस कृत्य को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं जिस मूर्ख के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, क्योंकि उन्होंने उस सोने की सुराही को रखा हुआ था। महाकवि आप, तो जो महाराज बोलते हैं आप महाकवि, जी हाँ महाराज आप सुंदरता के पुजारी हैं ना, तो जो उनसे जो इससे पहले वाले दिन सवाल किया था राजा विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास से कि आप थोड़े से सुंदर और होते तो सब कुछ बहुत और ज़्यादा अच्छा हो जाता, तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया था, ठीक। तो बोलते हैं कि आप तो सुंदरता के पुजारी हो, तो जो सोने की सुराही है वो तो सुंदर है, तो आप इससे पानी पीजिए आपको और अच्छा लगेगा, ठीक। तो आपकी ये सुराही साधारण मिट्टी की थी, सो इसे हटा के मैंने सोने की सुंदर सुराही रख दी, ठीक है। जो मिट्टी होती है वो थोड़ा कम सुंदर होती है उससे मिट्टी की सुराही, सोने की सुंदर सुराही बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन सुंदर तो है रूपवान तो है, लेकिन उसका जो गुण है ठंडा करने का पानी का वो उसमें नहीं होता, सोने की सुराही में, मिट्टी के सुराही में ठंडा करने का गुण होता है। क्या यह अच्छी नहीं है, तो ये वो भी अब थोड़े उनके अब जो राजा हैं राजा से थोड़ा वो भी मजाक टाइप का करने लगे, क्या ये अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सोने की जो रूप ज़्यादा अच्छा लगता था गुण की तुलना में। सोने की सुराही में तो पानी और भी अधिक ठंडा और स्वादिष्ट होना चाहिए, तो थोड़ा और वो मजाक करते हैं कि सोने की सुराही में तो और स्वादिष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो स्वरूप अच्छा लगता है गुण नहीं। महाराज महाकवि का आशय समझ गए, वो समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ रूप ही सब कुछ नहीं होता, गुण उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये महाकवि कालिदास कहना चाहते थे। जिस तरीके से जो सोने की सुराही है वो रूप में तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका ठंडा करने का गुण नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से जो महाकवि कालिदास थे वो सुंदर कम थे लेकिन गुणवान ज़्यादा थे, इसलिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मतलब फिर वो क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मतलब मुझे जगा दिया, क्या मेरे ये समझ में छोटी सी बात से आ गई कि जो गुण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपेयर टू रूप के, अब मुझे समझ में आ गया कि महत्व भारी सुंदरता का नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का होता है,
ठीक, अब जो राजा विक्रमादित्य थे वो अच्छे से समझ चुके थे इस बात को, ठीक, उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर उन्हें अच्छे से समझा दिया, जिससे कि राजा को समझ में भी आ गया और उनके जो बात थी वो भी क्लियर हो गई। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।